हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ की एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द एन टर्म्स। एन टर्म्स के लिए या नंबर टर्म्स के लिए आएगा, तो आपको फॉर्मूला उसके अंदर बताना है। ए प्लस एन माइनस वन डी, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी पहले समझाया था। कभी भी एन टर्म की बात होती है, एन टर्म ए एन को शो करते हैं, तो एन टर्म की बात होगी, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको क्लियर किया था कि दो ही फॉर्मूले हैं, बस यही बताया था ना हमने कि दो फॉर्मूले हैं इसमें। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम सॉल्व कर रहे हैं एन टर्म का, राइट। आपके पास एन टर्म में फोर ऑप्शन में से थ्री ए की, डी की, एन की, यानी थ्री ऑप्शन आपके पास है, वन ऑप्शन आपने निकालनी है। हो सकता है इन फोर में से कुछ और ऑप्शन, जैसे देखो इसमें ए है, एन है, ए एन है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड डी, इसमें फाइंड ए एन। फॉर्मूला यही है, प्रोसेस सेम है, बस जिसको पूछ रहा है वही चीज़ शो करके निकालना है। जैसे हम इसको स्टार्टिंग में लेते हैं, क्लियर। जब कभी भी ए एन पूछता है तो पहले फॉर्मूला ए एन आपका सेम, ए की डिजिट की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे 7, एन आपका 8 माइनस 1, और डी आपका शो क्या कर रहा है, 3। क्लियर सब बच्चों को, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए कभी भी ऐसे ब्रैकेट्स में होता है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपका 7 आ गया, डी आपके पास है। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 3 20, राइट, प्लस कर देंगे, ये आपका आंसर ए एन का आ गया। क्लियर, प्रोसेस क्लियर है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला सेम एज इट इज वही लगेगा, ए माइनस 18, डी आपको फाइंड करना है, एन आपको 10 दे रखा है, ए एन आपको 0 दे रखा है, फाइंड क्या है, डी। जिस समय हमें ए एन का आंसर दिया जाता है उस समय आप फॉर्मूले को इस तरीके से, सबसे पहले जो गिवन है उसका आंसर वो यहाँ लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला जो मैंने इस तरफ यहाँ लिखा था आप उसके नीचे लिख लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा सेम जो है, ये देखिए। उसका क्या मतलब है, मैंने ये पार्ट्स नीचे क्यों लिखा, यहाँ की बजाय नीचे क्यों लिखा, उसका रीज़न ये है, ए एंड डी इसमें से जो भी फाइंड करने की बात करता है वो आंसर एज इट इज़ यहाँ आता रहेगा, आपको सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसमें ए एन ही हमें फाइंड करना था इसलिए मैंने सीधा सीधा लिखा, जब हमें ए एन दिया जाता है तब ऐसे लिखते हैं, राइट। माइनस 18 प्लस एन आपका 10 माइनस 1, डी आपको फाइंड करना है, माइनस 18 प्लस 9, क्योंकि 10 में से 1 आपने माइनस किया, 9d इज इक्वल टू 0, 9d आपके पास एज इट इज, जो माइनस 18 है पीछे जाके प्लस 18 हो गया, तो 0 को किसी से भी प्लस करेंगे तो आंसर तो 18 ही आएगा ना, 9 जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ गया आपका 2, तो डी का आंसर आपका 2। जो आपको फाइंड करना है वो आप बाद में यहाँ लिख सकते हैं कि आपका आंसर इस तरीके से, मिसिंग नंबर है ये सारे, ठीक है।